सत्य नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अपन ने लाइट रिएक्शन को कंप्लीट किया, डार्क रिएक्शन में तीन रिएक्शन को कंप्लीट किया, तीन साइकिल को कंप्लीट किया, C3 चक्कर है, C4 चक्कर है और केम चक्कर है। आज अपन पढ़ेंगे केमियोस्मोटिक या केमियोस्मोटिक थ्योरी, रसोपरासरणी परिकल्पना, जिसको एकदम इजी वे में पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनना, आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। रसोपरासरणी, जैसे नाम से पता चल रहा है, परासरण की प्रक्रिया। रस का मतलब यहां पर कोई आयन है, केमिकल है, और केमिकल मुख्यतः जो इस प्रोसेस में काम आएंगे वो होंगे आपके H+ आयन। H+ आयन मुख्यतः अपने को बार बार में बीच बीच में देखने को मिलेंगे। देखो, अपने जब लाइट रिएक्शन पढ़ा था तो लाइट रिएक्शन में अपन ने कुछ बातें अगर आप रिकॉल करो तो क्या था कि सनलाइट आती है, क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड पे गिरती है, वहां उपस्थित जो क्लोरोफिल है उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित होकर अपने इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोटोलाइसिस की प्रक्रिया करते हैं, जल का विघटन होता है, जल के विघटन से H+ आयन+ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। आपको याद आ रही प्रक्रिया, ये सारी बातें जो अपन पढ़ चुके पहले। ये इलेक्ट्रॉन है, आगे पानी पियो चाहे ऐसा कुछ अपन ने ट्रिक बनाई थी, आपको याद आ रहा होगा। ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक पाथ के द्वारा आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। बीच में एक ऐसी जगह आती है जहां पर ATP का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में फोटोसिस्टम फर्स्ट आता है। ये सारी प्रक्रिया अब तक फोटोसिस्टम सेकंड में हो रही थी। फोटोसिस्टम फर्स्ट आता है, FD आता है, FES आता है, FD आता है, और वहां पर क्या आपके इसका निर्माण होता है, NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। NADP से H+ आयन जुड़ते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी प्रोसेस आपने पहले पढ़ चुके हैं। यहां पर रसोपरासरणी हाइपोथेसिस में यही पढ़ना है कि ATP का निर्माण कैसे होता है। इसमें पढ़ना क्या है, इसमें अपने को पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि ATP फॉर्मेशन कैसे होता है, ATP फॉर्मेशन कैसे होता है, ATP का निर्माण जो बीच में हो रहा है वो होता कैसे है, वो बात पढ़नी है बस। उसी को बोलते हैं रसोपरासरणी परिकल्पना। ATP फॉर्मेशन शब्द जहां भी है ना, उसके लिए एक शब्द काम में ले सकते हैं अपन, जिसको बोल सकते हैं फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन का मतलब ही होता है क्या, ATP का निर्माण ना, क्या बोल सकते हैं हिंदी में, फोस्फोरिलीकरण। और इसको शब्दावली से अपन और अगर उसको क्लियर करें तो ऐसा बोल सकते हैं फोस्फेट का जुड़ना। फोस्फोराइलेशन मतलब फोस्फेट का जुड़ना। और ATP में होता क्या है, ATP में यही है। मान लो एक स्ट्रक्चर है ये AMP, एडिनोसिन मोनोफोस्फेट, इसमें क्या जुड़ा है, फोस्फेट जुड़ा, तो अपने क्या बोल दिया इसको, ADP। इस ATP में एक फोस्फेट और जुड़ा, अपने क्या बोल दिया इसको, ATP। मतलब ATP का फॉर्मेशन फोस्फेट के जुड़ने से तो हो रहा है ना यहां पर, तो फोस्फेट का जुड़ना फोस्फोराइलेशन कहलाता है। मतलब अगर किसी प्रकार से फोस्फेट जुड़ जाए, उस परिस्थिति के अंदर किसका निर्माण हो जाएगा, ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई बात समझ में, मतलब ATP का निर्माण करना है, ATP का निर्माण करने के लिए क्या चीज चाहिए, ATP का निर्माण करने के लिए अपने को क्या जोड़ना है, अपने को फोस्फेट जोड़ना है, तो ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे ADP, पहले से ADP बना हुआ है तो एक फॉस्फेट जुड़ा, ATP का निर्माण हो गया। अगर AMP बना हुआ है तो दो फॉस्फेट आयन जुड़ेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, ATP का। मतलब फॉस्फेट कैसे करके फॉस्फेट जुड़ जाए। अब ATP फॉर्मेशन या फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फेट जुड़ने की प्रक्रिया के तीन प्रकार हो सकते हैं, तीन प्रकार। एक बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी मतलब ज्यादा लंबी प्रक्रिया के, बिना किसी ज्यादा लंबी प्रक्रिया के, रिएक्शन तो होगी, बिना किसी लंबी प्रक्रिया के क्या जुड़ जाए, डायरेक्ट फोस्फोराइलेशन हो जाएगा। डायरेक्ट क्या हो जाए, फोस्फोराइलेशन। अपन ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, पाइरुवेट बनेगा, पाइरुविक एसिड बनेगा। और इससे पहले क्या,
होता है, इससे पहले होता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट, ये नौवां पद है, इस नौवां ये और ये दसवां यहां पर बना, दसवें पद के अंदर ये प्रोसेस होती है। और यहां पर क्या बनता है एटीपी, इसका मतलब क्या जुड़ा होगा, फॉस्फेट जुड़ा होगा, सीधा की सीधी प्रक्रिया होगी कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, इसमें फॉस्फेट जुड़ गया और पाइरुवेट का निर्माण हो गया, इनोल हट गया यहां से, सीधी प्रक्रिया है। तो डायरेक्ट सीधा का सीधा फॉस्फोराइलेशन हो जाए, इसको यहां पर कोई लेना देना नहीं, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस में, तब अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी प्रोसेस क्या हो सकती है कि लाइट की प्रेजेंस में ऐसा हो जाए फोटोफॉस्फोराइलेशन, कि प्रकाश की परिस्थिति में ऐसा कुछ हो जाए कि आपके फॉस्फेट जुड़ जाए। और तीसरा ऐसा हो जाए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बहुत सरल टॉपिक है ये, बस ध्यान से सुनना इसको। इन तीन प्रोसेस से अपने एटीपी का निर्माण कर सकते हैं, इसको अपने को यहां पर नहीं पढ़ना, इसको यहां पर नहीं पढ़ना। ये प्रोसेस किसमें होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको अपन अगले रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फोटो के संबंधित आता है, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या होगी, ये होगी क्लोरोप्लास्ट में। तो मुख्यतः इसको पढ़ना है, लेकिन ये दोनों की प्रोसेस लगभग अलग सेम ही होती है, तो अपन इसको छोड़ के इन दोनों की मुख्य बात करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ये फोटोफॉस्फोराइलेशन का होगा ये आपके क्लोरोप्लास्ट में। अपन इन दोनों प्रक्रियाओं के लिए कॉमन बातें पढ़ते हैं कि अगर डायरेक्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा है, उस परिस्थिति में अगर फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है तो उस चीज के लिए चीजों की क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, मतलब आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए, आवश्यक चीजें क्या चाहिए। तो इन दोनों कामों के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि इन दोनों प्रोसेस के लिए, जो ये दो नंबर और तीन नंबर है, इन दोनों प्रोसेस के लिए ऐसा बोल सकता हूं आपको कि फोटो तथा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए जरूरी चीजें क्या चीजें चाहिए, जिसके कारण से प्रक्रिया अपन कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए, मतलब ये एटीपी तब जुड़ेगा, फॉस्फेट तब जुड़ेगा एडीपी से, फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया तब होगी जब क्या होगा, जब कोई किसी स्थान पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट होगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब किसी एक स्थान पर, ग्रेडियंट शब्द ज्यादातर प्रवणता, इसका मतलब किसी एक स्थान पर मात्रा ज्यादा, एक स्थान पर मात्रा कम। जैसे मान लो कि कोई ये दो चीजें हैं, है ना, दो कोई सेल है मान लो, और यहां पर ये इसके बीच में कोई मेम्ब्रेन है, और यहां पर मैं ऐसा कह दूं कि ये H प्लस आयन है प्रोटोन, ये प्रोटोन है यहां पर H प्लस आयन, ये H प्लस आयन है और ये इधर H प्लस आयन है। इसका मतलब मैं इधर कह रहा हूं कि इधर देखो दो दो चार तीन सात H है और इधर दो ही आयन H है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये क्या है, प्रोटोन ग्रेडियंट है, ये प्रोटोन की प्रवणता है। तो ये हाई ग्रेडियंट है, ये लो ग्रेडियंट है, इसका मतलब प्रोटोन हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट में मूव करेंगे, जरूरत पड़ेगी तब। तो अगर अपने को फॉस्फोराइलेशन करना है ये दोनों प्रकार का ही, तो दोनों प्रकार के फॉस्फोराइलेशन के लिए क्या आवश्यक है, अपने पास में क्या होना चाहिए, प्रोटोन ग्रेडियंट होना चाहिए, तभी ये फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया होगी। बिना प्रोटोन ग्रेडियंट के फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होनी। ठीक है, एक बात तो ये, मतलब कोई मेम्ब्रेन हो जिसके अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या हो, एच प्लस आयन हो, लेकिन एक तरफ एच प्लस आयन की मात्रा बहुत ज्यादा हो, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट बोलेंगे। किस तरफ ज्यादा हो, कैसे हो, वो बाद में पढ़ेंगे, ज्यादा हो मतलब ये उसको बोलेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो पहला काम क्या चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, एक नंबर बात। दो नंबर बात, अब ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है तो हमेशा इधर ही थोड़ी रहेंगे, ये मूव करेंगे, फिर ज्यादा है तो कम से कम की तरफ जाना चाहेंगे। तो जब जाना चाहेंगे तो इनके, ऐसा बोल सकते हैं, इन H प्लस आयन के गमन के लिए विशेष चैनल होना चाहिए। विशेष क्या होना चाहिए,
चैनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मन की मर्जी आए तब जहां चाहे जहां से निकल गए। जैसे मान लो प्रोटोन है, इधर से निकल गए, इधर से निकल गए, इधर से निकल गए, इधर से निकल गए, मेम्ब्रेन को जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इधर से इधर जाएंगे, चाहे जिधर निकल गए, ऐसा नहीं। इनकी एक जाने का निश्चित क्या होना चाहिए, एक पाथ होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए, उसी के द्वारा ये जाने चाहिए, एक चैनल होना चाहिए, ठीक है। और चैनल के साथ साथ में ऐसा बोल सकते हैं, ये चैनल फिर अपन बोल सकते हैं कि F0 F1 पाथ आवश्यक है, जिससे H प्लस आयन क्या कर सके, गति कर सके। मतलब इधर कोई ना कोई ऐसा पाथ हो, ऐसा कोई पाथ हो, इसको बोलते हैं अपन, इस प्रकार का पाथ है ये, यहां पर बोलते हैं F0 और ये F1, F0 F1 पार्टिकल। इसके साथ में C भी लगा सकते हैं अपन, C का मतलब क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे अपन, F0 F1 पार्टिकल। तो ऐसी कोई पाथ हो, ऐसा कोई चैनल हो, ऐसा कोई रास्ता हो, ऐसा कोई पाथ हो, ऐसा कोई चैनल, ऐसा कोई रास्ता हो, जिसको अपन यहां पर क्या बोलेंगे, F1 F0 F0 F1 बोलेंगे, जहां से इधर के साइड में H+ गए और उधर के साइड में H+ निकल जाएं। इसका मतलब आपको एटीपी निर्माण करना है, एटीपी फॉर्मेशन करना है, तो आपको क्या चाहिए, प्रोटोन ग्रेडियंट होना चाहिए कहीं पे। ग्रेडियंट का मतलब कि एक स्थान पे, एक सेल के अंदर एक स्थान, एक साइड में प्रोटोन की मात्रा ज्यादा H+ आयन की, एक साइड में प्रोटोन की मात्रा कम हो, एक तरह से स्थिति हो। दो नंबर, इनके गमन करने के लिए चैनल, और चैनल भी कौन सा है, यहां पर F0 F1 पाथ आवश्यक है, जिससे ये आयन H+ आयन गति कर सकते हैं। इन चीजों की अपने को आवश्यकता है। मतलब अल्टीमेटली आपको अगर एटीपी का निर्माण करना है तो आपको किसी स्थान पर सबसे पहले क्या करना है, ये तो बाद की बात है, किसी स्थान पर सबसे पहले आपको एक एक प्रोटोन को इकट्ठा करना है, मतलब H+ आयनों को अपने को इकट्ठा करना है। सबसे पहले आवश्यकता तो ये हुई ना कि अपने को H+ आयन की कंसेंट्रेशन किसी स्थान पर ज्यादा चाहिए। अब किस स्थान पर चाहिए, कैसे इकट्ठे होंगे, उसको अभी देखो। आप अपन शुरुआत करते हैं इसकी, परिकल्पना कैसे होती है देखो। ये मान लो क्या है आपके, क्लोरोप्लास्ट, क्या लिखा मैंने, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है, ये है आपके थाइलेकोइड, थाइलेकोइड, ये ऐसा कह सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड की आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम दे रखा है, वहां से बना सकते हो आप। ये है आपके थाइलेकोइड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, थाइलेकोइड की आउटर मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन। अब थाइलेकोइड की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पार्ट क्या हो गया, उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रोमा, जहां पर डार्क रिएक्शन होती थी। और इसका जो थाइलेकोइड का जो अंदर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसको पता है आपको, उसको बोलते हैं लुमेन, ठीक है। ये थाइलेकोइड क्लोरोप्लास्ट हो गया पूरा, ये फिर अंदर की दो मेम्ब्रेन है वो थाइलेकोइड है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर वाला भाग है वो क्या है, लुमेन कहलाता है, और ये क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है। आपको अगर याद आ रहा है तो दो प्रकार के फोटोसिस्टम थे, एक था ये कौन सा, पहले पीएस सेकंड था, जिसको अपन पी 680 भी बोलते थे, याद आ रहा है। और एक क्या था आपके, ये था आपका पीएस फोटोसिस्टम फर्स्ट, पहले सेकंड वाला स्टार्ट होता है पी 600 से, फिर पी फर्स्ट आपके, ऐसा बोल सकते हैं इसको पी 700 वाला, ठीक है, ये वाली प्रोसेस थी। अब देखो, सबसे पहले सनलाइट, सनलाइट गिरती है, आती है सिस्टम के ऊपर, यहां पर प्रेजेंट क्लोरोफिल उत्तेजित होते हैं, लाइट रिएक्शन पे बात कर रहे हैं अपन, लाइट रिएक्शन को ही थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं आपके,
क्या हो रहा था वहां पर, H2 है, H2O का क्या होता है यहां पर, फोटोलाइसिस, जल अपघटन, और फोटोलाइसिस के तहत क्या बना, O2 का फॉर्मेशन हुआ, H+N का निर्माण हुआ और इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ। ठीक है, मतलब H+ का निर्माण हुआ, इसका मतलब H+N का निर्माण हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि लुमेन के अंदर क्या बढ़ा, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ी। और अपने को मैंने बताया कि ग्रेडियंट चाहिए, तो ग्रेडियंट का मतलब किसी एक साइड में H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, कहां होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए अपने को। मतलब अपने को एटीपी बनाना है अगर रसोपरासरणी परिकल्पना के अंदर, तो आपके H+ आयन की कंसंट्रेशन लुमेन के अंदर बहुत अधिक होनी चाहिए। तो लुमेन के अंदर H+ के आयन की कंसंट्रेशन लगातार फोटोलाइसिस होगा तो क्या हो जाएगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन यहां पर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहां पर अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कुछ H+ आयन तो इधर भी होंगे भाई, ज्यादा इधर मैं बता रहा हूं, यहां पर ज्यादा है तो इसका मतलब कम इधर भी होंगे, तो कुछ प्लस H+ आयन यहां भी घूमते रहेंगे, उनको बाद में काम में लेंगे। देखो उसके बाद क्या होता था, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करते थे, फोटोसिस्टम सेकंड है, वो इलेक्ट्रॉन जो ग्राही है, एक्सेप्टर है, वो इलेक्ट्रॉन को लेता था, आपको याद है तो, और इलेक्ट्रॉन को लेता था यहां पर, फिर एक आपके क्या था, PQ था। ठीक है, उसके बाद में क्या था आपके, आपको अगर याद आ रहा है तो एक क्या था, साइटोक्रोम B6 था, साइटोक्रोम B6 से आगे प्रोसेस चलती है, तो आगे फिर वो इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं आपके, P700 के पास आ जाते हैं, तो यहां पर क्लोरोफिल इसका उत्तेजित हो जाता है, जब क्लोरोफिल इसका उत्तेजित हो जाता है तो प्रोसेस किसके पास जाता है आपके, किसके पास, FES के पास, FES से किसके पास जाता है, FD के पास, FD से क्या बन गया यहां पर, FD से इलेक्ट्रॉन जो NADP यहां पर मूव कर रहा है, किसमें, स्ट्रोमा के अंदर, NADP कहां पर है, ये वाला पार्ट स्ट्रोमा के अंदर है, ये क्या कर लेगा, देखो कुछ H+ आयन यहां मूवमेंट करते रहते हैं, फ्री घूमते रहते हैं, उन H+ आयन को क्या करेगा, ये ले लेगा NADP और इस H+ आयन से किसका निर्माण कर देगा, NADPH2 का निर्माण कर देगा, ये वाली प्रोसेस यहां पर हो जाएगी। तो एक तो ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो गई, और ये जो कुछ फ्री वाले घूम रहे हैं उसका उपयोग किसने कर लिया, NADPH2। तो जब यहां पर H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी, इसका मतलब ल्यूमेन के अंदर ग्रेडियंट तैयार हो गया। तो चाहे ल्यूमेन के अंदर बढ़े चाहे स्ट्रोमा में कम हो, दोनों ही परिस्थिति के अंदर इसकी मात्रा बढ़ी ना भाई। मैं अगर ऐसा कहूं कि एक सेल, ये दो सेल है, यहां पर H+ आयन शुरुआत में ऐसी स्थिति है, और मैं चाहता हूं इधर मात्रा बढ़े, तो एक तरीका तो इधर बढ़ा दूं, तो इधर बढ़ गई, ग्रेडियंट बढ़ गया। ठीक है, या फिर इधर कम कर दूं तो भी इधर बढ़ गई भाई। इधर कम होने का मतलब पहले 2 के अनुपात में 5 थे, फिर 1 के अनुपात में 5 है, तो अपने आप क्या इधर की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर NADP से NADPH2 का निर्माण भी होता है ना, तो वो स्ट्रोमा में हो रहा है, इसका मतलब अल्टीमेटली कंसंट्रेशन कहां बढ़ गई, ल्यूमेन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन की मात्रा बढ़ जाती है, ये वाली प्रोसेस यहां पर होती है। मतलब हर परिस्थिति के अंदर यहां पर मात्रा है वो इंक्रीज होती जा रही है, दो तरीके से। तो ये तो पहला तरीका, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने का तरीका है ये फोटोलाइसिस, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका है कि NADPH2 का निर्माण होता है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और तीसरा तरीका क्या होता है कि यहां पर एक जो ये आवारा घूमते रहते हैं, जो H+ आयन यहां पर स्ट्रोमा में एक्स्ट्रा घूमते रहते हैं, उनको क्या करता है ये PQ जो है पकड़ पकड़ के PQ H2 में कन्वर्ट करता है, और इधर H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तो तीन प्रकार के तरीके हो जाते हैं जिसके द्वारा H+ आयन की कंसंट्रेशन अल्टीमेटली लुमेन के अंदर बढ़ जाती है। पहला फोटोलाइसिस है, फिर NADPH2 की मात्रा बढ़ी तो यहां पर इस अपने आप में इसकी तुलना में अनुपात यहां पर बढ़ गया, और फिर जो कुछ यहां पर H+ आयन है उनको इधर से लेकर इधर की साइड में लेके आ गया, कौन, ये PQ लेके आ गया, प्लस टू किनोन यहां पर प्रेजेंट है, वो यहां पे लेके आ गया, उससे क्या से भी कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ गई। तो तीन तरीके ऐसे हैं जिसके कारण से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। मतलब अब देखा जाए तो यहां पर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस स्ट्रोमा के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम है। अब इस परिस्थिति के अंदर कंसंट्रेशन तो बढ़ गई, अब अपने को क्या करना है, ATP का निर्माण करना है। तो ATP के निर्माण के तहत क्या होता है, यहां पर एक पाथ होता है, एक चैनल होता है,
यहां पर ये पाथ है, ये वाला पाथ है एक, इसको यहां पर F0 बोलते हैं, इसको F1 बोलते हैं, इसको मैं अलग से बना देता हूं। देखो यहां पर ये वाला एक पाथ हो गया, ये वाला, ये F0 और ये F1। इसके अंदर यहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेटेज। और ये एटीपी सिंथेटेज कब एक्टिवेट होता है, जब इसको हाई H+ मिले। तो ये एक साथ में यहां पर इधर की साइड में लुमेन है, ये पार्ट क्या है, लुमेन है, और ये पार्ट क्या है, स्ट्रोमा। जब लुमेन के अंदर लगातार लगातार एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और ये कंसेंट्रेशन बढ़े हुए जब एक साथ झटके से निकलेंगे ना, यहां पे एक साथ झटके से निकलेंगे, तो एटीपी सिंथेटेज एक्टिवेट हो जाएगा। और एटीपी सिंथेटेज के एक्टिवेट होने से जो एडीपी के साथ में जो फॉस्फेट यहां पर प्रेजेंट है, उसको ये जोड़कर किसका निर्माण कर देगा, एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा। इसका फॉर्मेशन कर देगा, एटीपी का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। ये काम कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है स्ट्रोमा में। ये काम कहां रहा, ये काम हो रहा है आपके स्ट्रोमा के अंदर। ये फोटोलाइसिस की प्रक्रिया कहां हो रही है, लुमेन में। और ये वाला काम कहां हो रहा है, ये हो रहा है आपके थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में, है ना, ये वाली है ना बीच वाले मेम्ब्रेन है, इसके अंदर। फिर इधर वाले पार्ट में आएंगे तब ये निर्माण हो जाएगा, एटीपी सिंथेटेज का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। इसे ही बोलते हैं आपके एटीपी सिंथेटेज, या रसोपरासरणी परिकल्पना के द्वारा एटीपी का निर्माण। ठीक है, ये बात आपको मैं थोड़ा सा और नोट करा देता हूं। कौन सी बात आपको नोट करनी है, आपको नोट करनी है कि एटीपी का फॉर्मेशन जब हो रहा है तो H+ आयन की कंसेंट्रेशन किन किन कारणों से बढ़ी है, क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहला तो क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से H+ आयन की कंसेंट्रेशन ल्यूमन में लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, दो नंबर, एनएडीपी के अपचयन से, एनएडीपी के अपचयन से स्ट्रोमा में एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। इसका भी अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि लुमन में कंसेंट्रेशन बढ़ गई, तुलनात्मक रूप से बढ़ गई ना, अगर अपन तुलना करेंगे स्ट्रोमा की और इसकी। तीन नंबर, ट्रांसपोर्ट ऑफ एच प्लस आयन बाई प्लास्टोक्विनोन फ्रॉम स्ट्रोमा टू थाइलेकोइड लुमेन। एच प्लस आयन का ट्रांसफर होगा कहां से, आपके स्ट्रोमा से थाइलेकोइड लुमेन की तरफ, किसके द्वारा, प्लास्टोक्विनोन। ये सारे की सारे तीनों घटनाएं क्या करेंगी, आपके एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ा देंगे। अब एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्यों बढ़ानी है, क्योंकि बढ़ावा एच प्लस आयन जब एक फिक्स चैनल, चैनल कौन सा, एफ जीरो एफ वन से गुजरेगा। देखो अगर कोई मात्रा गुजरती है ना एक साथ, जैसे बिजली बनती है जहां पर जैसे पानी से बिजली बनाई जाती है, तो ऐसा नहीं कि एक एक दो दो बाल्टी पानी जाती है तो बिजली बन सकती है, एकदम प्रेशर से कोई पानी आता है तो उससे द्वारा क्या हो जाती है, बिजली जनरेट हो जाती है। या जैसे मान लो कि बंदूक चलती है, गोली चलाई जाती है, तो प्रेशर से जाती है तो ही किसी को डैमेज कर सकती है। अगर वो गोली अगर ऐसे धीरे से मारी जाए तो कोई वो कुछ नुकसान नहीं करेगी। बॉल जब आती है किसी बैट्समैन के पास तो खींच के मारेगा ना, और जितनी बॉल की स्पीड होगी उतना ही बढ़िया फिर क्या लगेगा, चौका या छक्का लगेगा। मतलब प्रेशर वहां पर है, स्पीड है, मात्रा ज्यादा है, ऐसी परिस्थिति में कोई चीज क्या होती है, जनरेट होती है। मिक्सी में अगर कोई चीज पीसना चाह रहे हो तो आपको फिक्स एक मतलब स्पीड के ऊपर उसको चलाना पड़ेगा। अगर वो ऐसे ऐसे घूमती रहे मिक्सी तो सारे दिन चलती रहे, पर वो क्या करेगी, आपके चीज का निर्माण नहीं कर सकती, वो आपके जो पीसना चाह रहे हो उसको नहीं पीस सकते। तो किसी एक स्पीड के द्वारा,
मात्रात्मक रूप से ज्यादा कोई चीज आएगी, ब्लंक में कोई चीज आएगी, तो फिर क्या होगा, वो एक साथ एटीपी सिंथेटिक एंजाइम को एक्टिवेट कर देगी और उसके एक्टिवेट होने से आपके एडीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये चूंकि लाइट के प्रेजेंस में सारा काम हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में सारा काम हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में काम होगा तब इसको बोलेंगे अपन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये प्रोसेस थी रसोप्रासनिक परिकल्पना। डायग्राम आप ये भी बना सकते हो या फिर एनसीईआरटी वाला डायग्राम है उसको भी आप अपनी बुक से देख के और इसको बना लेना, सरल सी प्रक्रिया है। अगले टॉपिक पे अपन पढ़ेंगे इसका क्या पढ़ेंगे, अगले टॉपिक पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक। ये लास्ट टॉपिक होगा इस फोटोसिंथेसिस यूनिट का टॉपिक का। उसके बाद में रेस्पिरेशन वाले से सारी यूनिटें अपन हैं जो प्लांट फिजियोलॉजी में है उनको अपन ऐप पे पढ़ेंगे। YouTube के ऊपर फोटोसिंथेसिस या प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित ये लास्ट वीडियो होगा, कौन सा, अगले वाला, प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद सारे के सारे अपने ऐप के ऊपर ही चलेंगे। लगातार आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, समय कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आपको लगता है कि वैकेंसी अभी आई नहीं है, लेकिन आने के बाद ज्यादा चीजें नहीं होती हैं, अभी समय है, तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन नहीं लेना बस केवल टाइम पास है, ठीक है कर रहे हैं, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, तब फिर आपकी मर्जी है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।